ताई जी से मुलाकात हुई है आपकी, किस तरह की भेंट है? विनोद जी माइक दिखाओ। ताई का बहुत लंबा राजनीतिक कार्यकर्ता और एक नेता के रूप में समय लंबा पीरियड रहा है, और ताई को लोगों ने मतलब वो खुद उन्होंने उनके मन से सांसद का एक तरह से लोगों ने उनको पसंद किया, रिजेक्ट नहीं किया। तो ऐसी राजनीतिक शख्सियत हमारे अपने परिवार में है, हमारे अपने शहर में है। मैं मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, एक अच्छे जनप्रतिनिधि का दायित्व है। तो इंदौर शहर की बातें, विभाग की बातें, मेरे अपने क्षेत्र की बातें, क्योंकि मराठी समाज के लोग भी हमारे यहाँ बहुत रहते हैं, तो उनके संबंध में कुछ बातें ताई ने मुझे निर्देशित किया था, वो सब बातें, और वो सब बात भी करनी थी, और फिर बहुत दिन हो गए थे तो आशीर्वाद भी लेना था, दोनों बातें। नगरीय निकाय के चुनाव है आगे चल के, कितनी अहम है बैठक? नहीं, इस बैठक से नगरीय निकाय का क्या था? नगरीय निकाय एक अलग पार्ट है, और ये तो परिवार जैसे, हमेशा मुझे डांटती फटकारती रहती है, अभी बहुत दिन से डांटा नहीं तो मन हुआ डांट खाने का, तो आ गया। ताई ने आशीर्वाद भी दिया आपको कि आप बेहतर काम करें आपके क्षेत्र में, तो शुरू से रहा है, और ताई का खूब इसने बहुत प्यार और खूब बात बातें आपके आस पास से थी, और मैं समझता हूँ कि उनका विजन, अब इंदौर कांग्रेस और बीजेपी दलगत राजनीति से ये बातें उनकी भावना में नहीं आती, उनकी भावना तो हमारा इंदौर, अपना शहर, अपना देश, अपना समाज सुधार, इस तरह की बातें। अच्छा, कुछ नाराजगी भी ताई की रही पार्टी से, खासतौर पर टिकट के बाद में, फिर उनका उनकी खुद की पार्टी? अभी तो मुझे एकदम खुश दिखी और बढ़िया मुझे आशीर्वाद दिए, और हम दोनों ने बिस्किट और अच्छी चीजें खाई, चाय पी, अच्छा लगा। विकास के लिए जो भी सुझाव होते हैं दलगत राजनीति पर उठकर करते हैं सब, इसलिए जीत बंटवारी आए। हाँ, ताई का ऐसा ही था, और ये टिंचिंग ग्राउंड की थोड़ी बदबू फैलती है, ये करती है, ऐसी बातें जो भी थी, खेल कूद से संबंधित बातें थी, जो जनरल एक बातें होती है वो थी, और कुछ सजेशन थे, और मैं मानता हूँ कि अच्छा रहा, मिलना जुलना रहता है, बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते रहो, सही दिमाग सही रहता है, चर्बी नहीं चढ़ती। पर पीसीसी चीफ को लेकर अब तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं? पीसीसी चीफ का जहाँ तक प्रश्न है, गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी निर्णय लेगी, सही समय पे लेगी, सही व्यक्ति का लेगी, और कांग्रेस में संविधान भी आखिरी में कि चुनाव भी होते हैं इसमें संविधान के अनुरूप, अगर आखिरी निर्णय नहीं होगा तो चुनाव भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी ही क्यों ना दोहरी जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि वो सक्षम भी हैं, वो पहले संभाल ही रहे हैं, इसमें क्या परेशानी, तो आगे भी संभाले, ऐसा कुछ है मेरे हाथ में। एक बार नाथुराम गोडसे मामला थोड़ी समय है, कल ग्वालियर में केस दर्ज। देखो, दो बातें हैं, ये देश गांधी का है, उसके विचार का, और गांधी का विचार पूरे विश्व में, दुनिया के हर कोने में माना जाता है, जितना भारतवर्ष में माना जाता है उससे ज़्यादा अब पूरी दुनिया उसको आत्मसात करती है, उस विचार को। उनने महात्मा गांधी का जो विचार है उसने मानवता को प्रमुखता दी है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की तो हत्या व्यक्ति की, साथ ही साथ उस विचार को मारने की कोशिश की। अगर विचार बढ़ रहा है तो नाथूराम गोडसे के दो चार पाँच ऐसे लोग हर जगह खुरापात करते मिलते हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ता, समाज उसका तिरस्कार करता है। राफेल मामले को लेकर के बीजेपी विरोध कर रही है, राफेल मामले को लेकर के राहुल कल पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किए गए। राफेल को जहां तक प्रश्न है, राफेल में कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जांच नहीं कराई, कोर्ट ने ये कहा कि जांच होनी चाहिए, पर कोर्ट ने ये कहा कि ये हमारे अलावा भी ये काम हो सकता है, कोर्ट में आने के अलावा भी ये काम हो सकता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के है, राहुल जी विपक्ष के नेता है, उन्होंने जो अनियमितताएं देखी, जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, उसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर बातें कही, कांग्रेस पार्टी अपनी बात आगे भी कहती रही। भारतीय जनता पार्टी के पास काम आम तो कुछ है नहीं ऐसा जिससे कि कोई तथ्यात्मक बातें करे, नकारात्मक प्रदर्शन करती रहती है। वो चला रहे हैं आजकल, उसके कारण या तो वो रोज के रोज साफ नहीं होता है। तीसरा साल है ये बदबू आने का, मेरे शहर में ऐसा नहीं, मेरे पास से लास्ट ईयर भी कंप्लेन आई थी, तो कल वहाँ किसी ने मुझे बोला ताई एक बार वो ट्रेंचिंग ग्राउंड ठीक है ना, उसको वो हवा की दिशा ठीक
थैंक यू भैया। मेरे को पता चला कि मैंने उठा दिया, मैंने पूछा था कि